चैनल और उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से एक रिएक्शन वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाली हूँ वो फिर से एक हरियाणवी सॉन्ग है। तो सॉन्ग का टाइटल है देवी और इसके सिंगर हैं गुलजार चन्नीवाला। मैंने इनकी सॉन्ग को पहले भी रिएक्ट किया था और वो सॉन्ग बहुत ही अच्छा था, जो कि रियल फीलिंग है, सॉन्ग भी नहीं बोल सकती, यानी उन्होंने जो दिल की फीलिंग है वो सॉन्ग में गा के बयां कर रखी थी। तो देखते हैं कि इस सॉन्ग में क्या है। देवी है सॉन्ग का टाइटल, तो सॉन्ग के टाइटल को देख के तो कुछ अंदाजा नहीं लगा सकती। जैसे देवी है तो भगवान से या गॉड से रिलेटेड कोई होगी, तो देखते हैं कि इसमें क्या बोलना चाहते हैं भगवान को या भगवान के द्वारा क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। तो करती हैं रिएक्शन, बट रिएक्शन करने से पहले आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं रिएक्शन, लेट्स गेट स्टार्टेड। ना कसूर सा कपड़ा का ना उम्र ता दिख्या से, सारा फर्क सोच का से मन माते सीख्या से, बाबुल की लाडो ते ज्यादा मोल दे जियाली पेटी का वाद भी माई रोवे, वाद भी माई रोवे के यो हाल मेरी बेटी का, वादे भी माई रोवे, वादे भी माई रोवे के यो हाल मेरी बेटी का, वादे भी माई रोवे। मैं किसने रावण राम कहूँ, कुण अच्छा यार कुण मंदा से, आके छोटी कन्या बोली भैया वो अंकल गंदा से। मैं क्यों करूँ सुने समझाऊ जिसने शौक रे सलेटी का, वादे भी माई रोवे, वादे भी माई रोवे के यो हाल मेरी बेटी का, वादे भी माई रोवे, वादे भी माई रोवे के यो हाल मेरी बेटी का, वादे भी माई रोवे। रे मेरी लाडो भाई इतने इल्जाम ना लगाओ रे, यह सारी उम्र इन जखमा ने साम दी थक जाएगी, हम अपनी नजरा ने साम ले दो निहाले हो, मेरी बहन आपे ढक जाएगी, मेरी बहन आपे ढक जाएगी। एक वैश्या ते मन पूछ लिया क्यों पाप भाणिए साम बैठी, बोले भाई मजबूरी थी मैं पेट न वैश्या जामी थी, माँ बाप भी अपना वह कोना बोली गिरगी तू रोका ते, मैं बेटी रोज बचाऊं सू इन जालिम हवसी लोगाते, इन जालिम हवसी लोगाते, दुनिया ना तोड़े फूला ने जिद बाड़ बनगी खेती का, वादे भी माई रोवे, वादे भी माई रोवे के यो हाल मेरी बेटी का, वादे भी माई देवी माई रोवे के यो हाल मेरी बेटी का, वा देवी माई रोवे। मा कद तक बेटी न्यू तड़पेंगी, कद तक ये गोली मारेंगे, माँ ऐसा दिन कद आवेगा जमे पैथाड़ बजावेंगे, सब ने सब कुछ मेरा से फिर भी बन गए अनजान से, रह छानी आड़े तू क्यों बोले भाई मेरे घर में भान से, रे गुलजार सारी तू समझा दे पाछे रोना रे पछेती का, वा देवी माई रोवे, वा देवी माई रोवे के यो हाल मेरी बेटी का, वा देवी माई रोवे। गाइस जैसे मैंने लास्ट टाइम इनके सॉन्ग पे रिएक्ट किया था उस
उसी की तरह ये सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अब मैं क्या बोलूँ इस गाने के बारे में, उन्होंने एकदम रियल वर्ड्स जो होते हैं ना वो बोले हैं। अगर मैं इनके सॉन्ग ऐसे ही सुनती रहूँगी तो मैं इनकी फ़ैन हो जाऊँगी। तो लास्ट टाइम मैंने जो इनका गाना सुना था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और उन्होंने एक फार्मर की स्टोरी बयां की थी उस गाने में, और इस बार उन्होंने गर्ल से रिलेटेड यानी इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स में इन्होंने अपने गाने बना रखे हैं कि जो रियल है, क्योंकि जो रियलिटी है और थोड़ा लोगों को जागरूक करने की भी ज़रूरत है, और उन्होंने सॉन्ग के थ्रू बनाया है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। सॉन्ग के लिरिक्स इतने अच्छे हैं, उन्होंने स्टार्टिंग में ही जैसे कि उन्होंने बोला कि ना कसूर है कपड़ों का, सही बात है, कसूर कपड़ों का नहीं, कसूर इसका है। सो सबसे पहली बात है कि हमें अपनी सोच सुधारनी है, सोच सुधरेगी तो सब कुछ सुधरेगा, अगर वो नहीं सुधरेगी तो कुछ नहीं सुधर सकता, चाहे हम कुछ भी पहन लें ओढ़ लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई लोगों की आदत होती है बोलते यार अगर किसी के साथ कुछ होता है, किसी गर्ल के साथ, तो ये ऐसा है कि अगर लड़की के साथ कुछ होता है तो बोलते यार उसने का पहनना ओढ़ना या उसका बर्ताव सही नहीं था, पहले क्वेश्चन गर्ल्स पर उठाए जाते हैं, बाद में लड़के की तो बात ही छोड़ो, उसको कुछ नहीं बोला जाता। वो भी ये होता ऐसे देश में है जहाँ कि हम लोग कन्या पूजन करते हैं, एक तरफ हम लोग कन्या पूजन करते हैं दूसरी तरफ हम लड़कियों को ही नीचा दिखाते हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है। तो सबसे पहले है कि हम अपनी सोच को सुधारें, गर्ल्स को रिस्पेक्ट दें, लड़की और लड़का दोनों इक्वल हैं। तो जैसे कि वो बोलते हैं कि मैंने एक वैश्य से पूछा कि तू ये पाप का बोझ क्यों उठा के घूम रही है, तो वो बोलती है कि मैं इन जालिम लोगों से बेटी को बचा रही हूँ। मत सही बात है, माता रानी रोती होगी कि जब वो ऐसी चीज़ें देखती होगी, जैसा कि इन्होंने बोला है कि यार कब तक बेटी के साथ ऐसा होगा, कब वो दिन आएगा कि जब बेटी पैदा होने पे थाली बजाई जाएगी। कई जगह ऐसी रस्में हैं कि जब बेटा पैदा होता है तब थाली बजाई जाती है, जब बेटी पैदा होती है तब नहीं बजाई जाती है। तो इसी बैलेंस को इक्वल करना है कि बेटी और बेटा बराबर है, और ये बैलेंस हम सभी को इक्वल करना है अपनी सोच बदल के। हम किसी का कैरेक्टर जज नहीं कर सकते, हम किसी के अंदर घुस के देख नहीं सकते वो इंसान कैसा है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे कपड़े पहने हो अंदर से उसका कैरेक्टर भी वैसा है, और हम लोग कोई नहीं होते किसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले। हमें खुद को बदलना, हमें ये नहीं सोचना यार वो इंसान ही ऐसे कर, हमें पहले खुद को बदलना। जब हम खुद को बदल पाएंगे तभी हम दूसरे को भी अच्छी नज़र से देख पाएंगे, जब हम दूसरे को अच्छी नज़र से देखेंगे तब हमें सब अच्छा लगेगा। मेन कसूर इस नज़र का है और इस सोच का है, तो अगर ये दोनों चेंज होगी तो लाइफ एकदम ऑसम होने वाली है। तो प्लीज़ दोनों में बिल्कुल फ़र्क मत कीजिए, बेटा बेटी दोनों बराबर है आज के टाइम में, हम आज के टाइम में जी रहे हैं। तो बस मैं सॉन्ग के बारे में इतना कहना चाहूँगी, सॉन्ग बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा। उन्होंने सही बोला, माता रानी भी रोती होगी क्योंकि हम लड़कियों को माता रानी का रूप बोलते हैं, तो अगर जब वो देखती होंगी कि मेरे रूप के साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है तो सोचो हमें कितना गंदा फील होता होगा। इसलिए हमें ये सब सुधारना होगा। इस अगर मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय।